डॉक्टर समित पात्रा, राष्ट्र प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राघव चड्ढा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। चलिए बहस की शुरुआत करते हैं, और बहस की शुरुआत में ये भी बताते हुए एमसीडी के साथ साथ गुजरात के चुनाव की वजह से पारा डबल बढ़ रहा है, और इसीलिए शायद गब्बर और शोले फिल्म तक के डायलॉग्स अब एंट्री मार चुके हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं। राघव जी का एक डायलॉग बड़ा फेमस हो रहा है गुजरात में, क्यों राघव जी वहां पर शोले का कौन सा डायलॉग मार रहे हैं आप, गब्बर वाला? देखिए, बीजेपी रोज हम पे कीचड़ फेंकती है कि इस उम्मीद में कि कोई एक आधी बूंद कीचड़ की चिपक जाए, लेकिन गुजरात की जनता ने इस बात की गवाही दी कि जैसे गब्बर पिक्चर में, शोले पिक्चर में कहा जाता था कि सोजा बेटा सोजा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा, ऐसे गुजरात और दिल्ली से कोसों दूर जब कोई भ्रष्टाचारी रोता है तो रात को उसकी माँ कहती है सोजा बेटा सोजा, नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा और तुझे जेल में डाल देगा। संबित जी, सोजा बेटा सोजा, नहीं तो भ्रष्टाचारी के सामने केजरीवाल आ जाएगा। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा अंजना जी, आपने मूवी के डायलॉग से शुरू किया और मेरे भाई राघव जी ने भी डायलॉग को दोहराया, तो मैं भी पीछे क्यों रहूं, मैं भी शोले को ले आता हूं। मुझे शोले का वो डायलॉग याद आ गया, मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं, वो अमिताभ बच्चन मौसी के घर में जाता है हाथ मांगने के लिए बसंती का, और फिर क्या बोलता है मौसी से, मौसी बोलती है ये बसंती तो मेरे दिल पे बहुत बड़ी बोझ है, तो अमिताभ बच्चन बोलता है कि मौसी तुम्हारी बोझ को हम कम कर देंगे, लड़का है शादी कर दो, तो मौसी बोलती अच्छा लड़का है, क्या है लक्षण लड़का का जरा बताओ, क्या कमाता है लड़का, तो अमिताभ बच्चन बोलता है हाँ अभी कमाता तो नहीं है मगर जब बीवी बच्चों की जिम्मेदारी आ जाएगी ना तो कमा लेगा, हाई कमाता नहीं है अभी लड़का, कुछ नहीं करता है, अरे करता है ना, अब हर दिन थोड़ी जीतेगा, जुआ खेलता है तो कभी कभी हार भी जाता है, हाई जुआ खेलता है लड़का, अरे नहीं नहीं मौसी बहुत ही भोला है बहुत अच्छा है, अब जुआ थोड़ी खेलता है, कभी कभी शराब पी लेता है ना, तो दोस्त जो है बैठा करके जुआ खिला दे, हाई शराबी भी है जुआरी भी है फिर भी उसका कोई कसूर नहीं है बेटा, तुम कितने अच्छे हो दोस्त हो तो ऐसा हो, अच्छा फिर अमिताभ बच्चन बोलते हैं मौसी एक बार बस बसंती से शादी हो जाए तो वो जो गाने वाली के पास जाके शराब पी लेता है ना वो भी बंद कर देगा, मौसी खड़ी हो जाती है पंखा लेके, खबरदार मैं मौसी हूँ कोई सौतेली माँ हूँ जो शादी कर दूं, शराबी भी है जुआरी भी है गाने वाले के पास भी जाता है और फिर भी मैं शादी कर दूं, यहाँ ठीक वही कहानी है, एक बार बस शादी हो जाए तो पॉल्यूशन दूर हो जाएगा, एक बार बस सरकार में हम आ जाए तो सड़कें चमचमा जाएंगी, एक बार याद है ना ये केजरीवाल जी के पास ऐसी एक फाइल थी, वो फाइल दिखाते नहीं थे पीछे दिखाते थे, ऐसी एक फाइल थी जिसमें शीला दीक्षित जी के कच्चे चिट्ठे थे और कहते थे बस एक बार शादी हो जाए इलेक्शन के साथ तो ये सारे लोग जेल में होंगे, क्या हुआ क्या हुआ, एक भी लोग जेल में गए, तो ये जो बहानेबाजी है ये बहानेबाजी चलने वाली नहीं है, और शराबी भी है जुआरी भी है मगर कसूर कोई नहीं। राघव जी, भ्रष्टाचार इस बार गुजरात से लेकर दिल्ली बड़ा इशू बन रहा है, और एक के बाद एक जो मामले आ रहे हैं, चाहे वो सत्येन जैन का हो, मनीष सिसोदिया जी का हो, हालांकि चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम ही नहीं है, लेकिन ये तमाम आरोप अब आम आदमी पार्टी का पीछा कर रहे हैं, मसाज वाला वीडियो और जेल के अंदर। देखिए, बीजेपी की कोशिश है कि जनता की आंखों में ये साबित कर दें कि आम आदमी पार्टी वाले भी हमारे जैसे हैं। इन्होंने कितनी जांच हमारी कराई, सबसे पहले मैं गिनवा देता हूं, सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे नजीक जंग साहब, उनसे जांच कराई, उसके बाद अनिल बैजल साहब हुए उनसे जांच कराई, शुंगलू कमेटी बिठाकर 400 से ज्यादा हमारी फाइलों की जांच करवाई, अब नए सक्सेना साहब आए हैं वो एक रोज नई जांच शुरू कर देते हैं, मनीष सिसोदिया जी के घर से लेकर उनके दाद के नान के बैंक लॉकर हर जगह जांच करवाई, इन्होंने कोई चीज नहीं छोड़ी, इतनी जांच करवाई पिछले 7 सालों में, इतनी जांच कराई मिला क्या, बाबा जी का ठुल्लू कुछ मिला नहीं इनको। आज
सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी वाले एमसीडी और गुजरात के चुनावों को मुद्दे से भटकाना चाहते हैं, इसलिए रोज अपनी मनोहर कहानियों की पिटारों से एक स्टिंग, एक फर्जी वीडियो, एक फर्जी आरोप ले आते हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपके पास सीबीआई है, आपके पास ईडी है, आपके पास इनकम टैक्स है, दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच जो पहले शीला दीक्षित जी के पास हुआ करती थी वो भी आपने हमसे छीन ली, एक मुकदमा बताओ ना जो हम पे हुआ हो। आज चार्जशीट दर्ज हुई है एक्साइज के मामले में, मनीष सिसोदिया जी को पानी पी पी कर बीजेपी ने गाली दी, उस चार्जशीट में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का नाम तक नहीं है जिन्हें अक्यूज नंबर वन बनाया। ये बीजेपी की असलियत है। एजेंसियां हम पर छोड़ते हैं, मैं आज चुनौती दे रहा हूं, ये सारी एजेंसियां जो है ना, ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये एक दिन के लिए अरविंद केजरीवाल जी को दे दो, आधी से ज्यादा बीजेपी जेल में होगी। जवाब दीजिए संबित पात्रा जी, मनीष सिसोदिया के पीछे हाथ धोकर पड़े थे, चार्जशीट में तो नाम ही नहीं है उनका। मतलब पहले डिसाइड कर लीजिए, ये जो कहते थे हम लोग मिले हुए हैं सीबीआई के साथ, अब ये बात वही है या फिर चार्जशीट में अभी नाम नहीं है तो हम नहीं मिले हुए? दूसरी बात है, अभी तो मैं आज तक देख के ही आ रहा हूँ, आज तक में बड़ा बड़ा ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था, अभी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, नाम भविष्य में जुड़ सकता है। नंबर एक। नंबर दो, ये बार बार केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी कहते हैं बाबा जी का ठुल्लू, हमारे तिजोरी से कुछ नहीं मिला, बाबा जी का ठुल्लू मिला। मैं इसका जवाब एक बार के लिए सबको दे देता हूँ। अंजना जी, हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ा केस, 21 से अधिक वर्षों तक चलने वाला केस, चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव का था। चारा घोटाला, लालू प्रसाद यादव के किसी भी तिजोरी को नहीं बख्शा गया, हर तिजोरी की चेकिंग हुई, चारा निकला? किसी भी तिजोरी से चारा निकला? नहीं निकला ना। तो चारा नहीं निकला उसका मतलब लालू प्रसाद यादव बिल्कुल पाक साफ है, ये नहीं होगा। मगर यहाँ तो ठुल्लू निकला है, और ये ठुल्लू वाले विषय में ही अंदर जाने वाले हैं। ये शराब का जो बोतल होता है उसको भी ठुल्लू कहते हैं, और ये खुद मान रहे हैं कि बाबा जी का ठुल्लू निकला है। जब बाबा जी, नहीं नहीं जवाब सुन लीजिए, जब बाबा जी का ठुल्लू निकला है तो जेल जाना पड़ेगा। और मैं अंत कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी का एक भाषण है, उस भाषण में अरविंद केजरीवाल जी डबल एक्सएल का शर्ट पहन के कह रहे हैं ये सारे नेता ये जेल जाते हैं और जेल में ये मसाज करवाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, मैं आऊंगा ये सारा बंद कर दूंगा। मगर विश्व का रिकॉर्ड बना है फिजियो दी रेपिस्ट, ऐसा फिजियोथेरापिस्ट हमने पूरे विश्व में कहीं नहीं देखा। ये अरविंद केजरीवाल जी ट्रिपल एक्सल का शर्ट पहन के बाहर आए थे उस दिन और कह रहे थे कि ये तो बेचारा सत्येंद्र जैन का तो रेडिएटिंग पेन हो रहा है, ये तो कहा है डॉक्टर ने कि इनका मसाज करो उससे ठीक हो जाएंगे। मैं डॉक्टर था, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं आज जवाब ही दीजिएगा और क्या करिएगा, सुन तो लीजिए। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ फिजियोथेरेपिस्ट की तरफ से, मैं यहाँ आज फिजियोथेरेपी एसोसिएशन की तरफ से, वो भी हमारे भाई हैं। आपने एक रेपिस्ट को, वो भी जिस रेपिस्ट ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया हो, उसको आप एक फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे हैं? ठीक है, अब मैं जवाब राघव जी, देखिए पहली चीज तो ये है, एक्टिंग करना, मसालेदार बातें करना, वो अलग विषय है। लेकिन भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ये कहता है कि एक शख्स पे FIR दर्ज होती है, इन्होंने मनीष सिसोदिया जी को अभियुक्त नंबर एक बनाकर FIR दर्ज करी, उसके बाद 60-70 दिन की जांच हुई, और उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होती है, उसके बाद गवाहों को पेश किया जाता है और अल्टीमेटली या तो बाइज्जत बरी किया जाता है या दोषी करारा जाता है। ये पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। FIR के अंदर इन्होंने राजनीतिक फायदा लेने के लिए मनीष सिसोदिया जी को अभियुक्त नंबर एक बनाया, CBI वर्सेज मनीष सिसोदिया FIR का नाम रखा, और आज जब चार्जशीट दर्ज हुई तो उसमें मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं है। यह बीजेपी की लाचारी दिखाता है, नंबर एक। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी कहती है भविष्य में हम नाम जोड़ सकते हैं, भविष्य में मनीष सिसोदिया का नाम जोड़ेंगे, तो ये फिर रोज पानी पी पी के छत पे चढ़ के मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट है, ये सब क्यों बोलते हो? नंबर दो, आज सत्येंद्र जैन साहब जिन पर क्या आरोप है, अगर मैं आज इनसे पूछूं ये आरोप भी नहीं बता पाएंगे, उनको आज 5 महीने से जेल के अंदर बंद किया हुआ है।
जेल मैनुअल के हिसाब से उन्हें खाना मिलता है, जेल मैनुअल के हिसाब से उन्हें वहां सुविधा मिलती है, और अगर किसी कानून का वायलेशन हुआ है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, कल फैसला आ जाएगा। देख लीजिए वीडियो का, क्या आपको राघव परेशान नहीं कर रहा है? ये सारा मैं आपको खुद कह रहा हूं, जेल मैनुअल के मुताबिक सारी चीजें होती, मामला हाई कोर्ट में लंबित है, हम देख लेंगे आज पर पॉलिटिकली जवाब तो देना पड़ेगा ना। अगर बीजेपी के किसी नेता का ऐसा वीडियो आता, बीजेपी के किसी नेता का वीडियो आता, जवाब दे रहा हूं जेल के अंदर। आज बीजेपी का अंजना जी मकसद ये है कि नगर निगम का चुनाव सर पे खड़ा है, कोई भी दिल्ली का आदमी खड़ा होके इनसे ये ना पूछे कि 15 साल में बीजेपी ने नगर निगम में क्या किया, इसलिए रोज नया वीडियो जारी कर देते हैं, एक फर्जी स्टिंग ले आते हैं, दो लोग आपस में कैफी कॉफी डे में बैठकर बात कर रहे हैं, मैंने इतने करोड़ अरविंद केजरीवाल को दे दिए, मैंने इतने करोड़ मनीष सिसोदिया को दे दिए, वो न्यूज चैनल को दे देते हैं, रोज चलवाते हैं चैनलों पर। मैं आज डंके की चोट पे पूछता हूं, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में शासन है, 2017 के चुनाव में इन्होंने कहा था 3 महीने के भीतर दिल्ली से सारा कूड़ा करकट दूर कर देंगे, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ ध्वस्त कर देंगे और दिल्ली को साफ सुंदर स्वच्छ बना देंगे। पिछले 15 सालों में 2,00,000 करोड़ बीजेपी के पार्षद डकार गए, अगर एक गली भी साफ करी हो एमसीडी की पूरी दिल्ली में तो मुझे बताएं। ठीक है, दूसरी चीज, आखिरी चीज सुन लीजिए, आज ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आखिरी पॉइंट ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, बीजेपी के एमसीडी के पार्षद इतना भ्रष्टाचार दिल्ली में करते हैं कि अगर एमसीडी के कमिश्नर आईएएस अफसर को अपना निजी मकान बनाना हो, छत या लेंटर डलवाना हो, उस पे भी स्थानीय पार्षद जाकर एमसीडी के कमिश्नर से रिश्वत लेता है। यह वास्तविकता है बीजेपी के एमसीडी। आप उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर लगा रहे हैं। और इधर मनोज तिवारी ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की कोई हाथ पैर ना तोड़ दे, आंख ना तोड़ दे दिल्ली में। अब वो कह रहे हैं, वो कह रहे कि केजरीवाल जी को मारने की साजिश हो रही है दिल्ली में। चलिए मैं एक एक करके जवाब देता हूं, बड़े शांतिप्रिय तरीके से मैंने सुना और कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं। पहला पॉइंट जो राघव जी ने कहा कि एक प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, अभी मैं क्यों जवाब दूं? कोर्ट का FIR होगा, केस चलेगा कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट या तो जेल भेजेगी या तो बाइज्जत बरी करेगी। अंजना जी याद करिए, जब ये आम आदमी पार्टी बनी थी तो मुझे वो दृश्य याद है, रोज शाम को 4 बजते ही सब लोग बैठते थे, अरविंद केजरीवाल जी आ जाते थे, ये सारे चोर हैं, सब मिले हुए हैं, आज एक लिस्ट जारी होगी चोरों की, और 13 लोगों की लिस्ट जारी की थी। नंबर 1 पे लालू प्रसाद यादव थे, देश के नंबर 1 चोर। नंबर 2 पे शरद पवार थे, नंबर 2, अब ये सब गलबही है, पप्पी छप्पी सब पा रहे हैं उनके साथ, अब वो सब उस समय चोर थे। प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये नंबर 3 पे थे। ये सारे 13 लोगों की लिस्ट जारी हुई थी और इनके पास सारे सबूत थे। उस समय कौन सी प्रक्रिया पूरी हो गई थी जो रोज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको चोर बताते थे? आप याद करिए, जब जितेंद्र तोमर इनके मंत्री, कानून मंत्री, उनके ऊपर हमने इल्जाम लगाया, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा ये प्रधानमंत्री तो साइकोपैथ है, ये तो कावड़ है, झूठ बोल रहे हैं। बाद में कोर्ट में जितेंद्र तोमर झूठा साबित हुआ, जितेंद्र तोमर को निकालना पड़ा। तीसरी बात, संदीप कुमार इनके राशन मंत्री थे, राशन मंत्री को लेकर कितनी डिबेट मैंने आपके साथ किया, इन लोगों ने कहा पाक साफ है, ये मॉर्फ्ड है, ये झूठी है। अगर झूठी पिक्चर थी, मॉर्फ पिक्चर थी राशन कार्ड बनाने का, तो क्यों निकाला गया, उनको बर्खास्त क्यों करना पड़ा? ताहिर हुसैन, आज हेडलाइंस है तमाम अखबारों में, ताहिर हुसैन को कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया, इनके बड़े नेता हैं, ताहिर हुसैन को बचाने के लिए, जिसके कारण 50 लोगों की हत्या हुई है नॉर्थ ईस्ट में, ताहिर हुसैन के लिए स्वयं इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह बाहर आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कि ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का है, ताहिर हुसैन को फंसाने की कोशिश है, ये तो पाक साफ है। क्या हुआ पाक साफ है तो आज कोर्ट के अंदर क्यों है? और ये जो कहते हैं ना सत्येंद्र जैन क्यों नहीं निकल पा रहा है बेल पे, क्या आरोप है सत्येंद्र जैन के ऊपर, मैं बताता हूं। अभी 4 दिन पहले हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के ऊपर बेल की सुनवाई करते हुए क्या टिप्पणी की है कि हाँ, ये जो PMLA का मनी लॉन्ड्रिंग का केस सत्येंद्र जैन पे चल रहा है, कोट अनकोट प्राइमा फेसी सत्य है। एक सेकंड सर, मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता हूं, आपका ही है मौका, उसके बाद बोलिए। प्राइमा फेसी बिल्कुल इन्होंने घपला किया है, 1.5 करोड़ का तो किया ही है, मगर 4.5 करोड़ की तरफ इंगित कर रहा है। और ये जो इकोनॉमिक ऑफेंस सत्येंद्र जैन ने किया है, यह देश को कमजोर करता है और यह एक कानून है, एक जघन्य अपराध है कानून के दृष्टिकोण से, यह कोर्ट ने कहा है। आप में से हर कोई इसको गूगल करके अभी हाईकोर्ट के साइट में
में जाकर दिल्ली हाईकोर्ट के इस जजमेंट को निकालिए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, मैं तमाम लोगों को टीवी में कहूंगा कि आप सब गूगल करके निकालिए कि हाईकोर्ट ने कहा है कि नहीं प्राइमा फेसी सत्येंद्र जैन। मैं बीच में नहीं बोल रहा, मैं दिखाऊंगा दिखाऊंगा दिखाऊंगा, चिल्लाना नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ जजमेंट। देखिए राघव जी, मैं बीच में नहीं कर रहा था। अंजना जी मैं ये ठीक नहीं है। अंजना जी बीच में नहीं, अंजना जी बिल्कुल ठीक नहीं। बारी बारी से, एक सेकंड भाई साहब, अगर झूठ है तो चिल्ला के नहीं, शांति प्रिय तरीके से। आप लोग शांति में विश्वास रखते हैं ना? आपने वो नहीं बताया मनोज तिवारी के मुद्दे पर। एक सेकंड, जनता यार ये ऑर्डर देखो, एक सेकंड, कौन सा हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसमें कहा कि 4.5 करोड़ का घोटाला हुआ? दिखाओ ऑर्डर, चार चार दिन पहले। एक सेकंड, आप दबाने की कोशिश मत करिए, शांति से सुनिए। अंजना जी ऐसा नहीं, ये नहीं चलेगा। और मनोज तिवारी के मुद्दे पर, मनोज तिवारी पर भी मैंने सारे मुद्दे पर दूंगा। पहले ये प्रायोजित जनता को आप चुप कराइए। देखिए एक सेकंड, आप देखिए आप आम आदमी पार्टी के सदस्य है, कोई बुरी बात नहीं है, मगर शांति से बैठ के दोनों पक्षों को सुनिए। मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप जनता है, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, आप जनता है, मगर सभी पक्षों को सुनिए। और सुनने के बाद बिल्कुल आप राघव भाई के नारे लगाना चाहते हैं बिल्कुल लगाइए, आपत्ति नहीं है, मगर सुनना पड़ेगा सबको ना। आप जवाब देंगे, एक सेकंड आप ही जवाब देंगे। और मनोज तिवारी पे एक जवाब, मनोज तिवारी एक सेकंड, नहीं मनोज तिवारी पे भी जवाब दूंगा। नहीं नहीं अंजना जी, मुझे बोला गया कि मैंने सच नहीं बोला सत्येंद्र जैन पे। मैं यहाँ चैलेंज दे के कहता हूँ, हिंदुस्तान की 135 करोड़ लोग आज तक को देखते हैं। मैं कह रहा हूँ दिल्ली के हाईकोर्ट ने आज से एक हफ्ते पहले, 5-7 दिन पहले, 4 दिन पहले जो पूरा का पूरा इस पर विश्लेषण किया है सत्येंद्र जैन के ऊपर, क्या कहा है मैं शब्दशः बता रहा हूँ। उन्होंने कहा प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टिया यह पता चल रहा है कि सत्येंद्र जैन जी ने 1.5 करोड़ का घपला किया है, इसको एक फर्जी कंपनी के माध्यम से कलकत्ता ट्रांसफर किया है, प्राइमा फेसी, इसमें कोई शक नहीं है। कोर्ट आगे कहती है कि यह अपराध जघन्य अपराध। मैं पूरे हिंदुस्तान को कहूंगा राघव चड्ढा जी को ट्वीट करके ऑर्डर भेजिए, ट्वीट करके ऑर्डर भेजिए। अंजना जी मैं बता रहा हूँ, पूरा करें, पूरा करें। राघव जी घबराइए मत, राघव जी घबराइए मत, जवाब दीजिए और सत्य सत्य को सामना करने की हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए सत्य का सामना करने का। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कोर्ट ने क्या कहा। जल्दी से कंक्लूड कीजिए। देखिए इतने जोर ये चिल्ला रहे हैं, उसके बाद भी मैं शांति प्रिय तरीके से बात कर रहा हूँ। आप बताइए, ये अगर अगर सत्येंद्र जैन इतने सच्चे हैं, ये बोल अभी किसी ने, इन्होंने कहा कि जज साला चोर है, कहा ना अभी जज साला चोर है। ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता विधायक, ये नवीन त्यागी बैठा हुआ यहाँ पे, उसने कहा जज साला चोर है। बताइए ये कह सकता है जज साला चोर है? कोई व्यक्ति कह सकता है जज चोर है? यहाँ बिल्कुल बिल्कुल कहा, अभी कहा जज साला चोर है। दिल्ली के हाईकोर्ट के जज के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कि जज साला चोर है, और मैं आज तक में बैठ के सुनूं, मैं हाईकोर्ट नहीं, मैं ये आज तक से भी कहूंगा कि जज साला चोर है, इस प्रकार की बातों पे कोई भी टिप्पणी नहीं करे, ठीक है? वो हमारी न्याय प्रक्रिया है। लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, चूंकि आपके पास माइक नहीं है, तो जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ आपकी ऊर्जा की बर्बादी है। नहीं नहीं राघव जी, जज साला चोर है उचित नहीं है, ये हाईकोर्ट के जज के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। राघव जी देखिए ऐसा है, बिल्कुल आप देख लीजिए, आप सुना ना मैंने सुना, संबित ने सुना, एक बात सुन लीजिए। अंजना जी एक मिनट, एक अंजना जी, अंजना जी 10 मिनट से बोल रहे हैं, आप जवाब देने दीजिए, जवाब देंगे। पहली चीज राघव जी, आप मुझे बोलने दीजिए, राघव जी सुनिए पहले, मुझे जवाब, राघव जी आप बताइए मुझे, अंजना जी आप मुझे बता दीजिए, देखिए सत्येंद्र जैन जी को बेल क्यों नहीं मिल रहा है? बेल क्यों नहीं मिल रहा है सत्येंद्र जैन को? नहीं मिल रहा है बताइए ना। देखिए और ये बात जो अभी त्यागी जी ने कहा कि जज साला चोर है, मैं इसके साथ खड़ा नहीं हूँ, मैं इसके खिलाफ बोलिए, जनता भी आक्रोश कर रही है। देखिए राघव जी बोलिए, गलत है, ये नहीं बोलना अच्छा। चाहिए राघव जी देखिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, ठीक बोल रही है, नहीं बोलना चाहिए। देखिए पहली चीज तो ये है कि एक एक आप गंभीर बहस करें, मतलब चाट मसाले वाली बहस करनी है तो फिर आप खाली संबित पात्रा को बुलाइए, गंभीर बहस करनी है तो हमारी बात, सत्येंद्र जैन को बेल क्यों नहीं मिला? वही जवाब दे रहे, वही जवाब, क्या हो गया इनको, बाबा जी का ठुल्लू उल्लू, इनको क्या हो गया? ठीक है वो जवाब दे रहे, शुरू किया राघव जी,
मैं तो गंभीर बहस कर रहा हूं। बेल क्यों नहीं मिल रही? इसका जवाब दीजिए, फिर अगले टॉपिक पर जाना है, पूरी बहस इसी में लग जाएगी। बेल क्यों नहीं मिल रही? ऐसा दो तीन बेल क्यों नहीं मिल रही? बेल क्यों नहीं मिल रहा है ये बताइए। पहली चीज तो अंजना जी ये है कि जज के बारे में पहली चीज ये है, क्या हो गया इनको? आज ये पागल से हो गए हैं, शांत हो जाइए थोड़ा, शांत हो जाइए। बेल क्यों नहीं मिल रहा? इलाज कराइए संबित जी, इलाज कराइए। इलाज कराने की आवश्यकता सत्येंद्र जैन को हो सकती है, आपको हमें नहीं है। आपका भी कराएंगे इलाज, आप तो उससे अच्छा करेंगे जब आप अंदर जाएंगे। हमारे पास फिजियो दी रेपिस्ट नहीं है। अच्छा सुनिए, आप कराइए, आप रेपिस्ट से इलाज कराइए। देखिए अब ऐसा है कि अंजना जी, ना आपने सुना, ना मैंने सुना, ना जनता में किसी ने बोला, लेकिन इन्होंने जज के बारे में जो बातें कही मैं उसका खंडन करता हूं। किसी भी जज के बारे में संबित जी आपको ऐसी बात नहीं बोलनी। मैं भी सुन, नंबर एक, किसी ने नहीं बोला कैमरा घुमाओ, कैमरा घुमाओ। लोग अभी बोल रहे, दिल्ली की जनता संबित पात्रा को कैसे कैसे संबित पात्रा का पर्दाफाश कर रही है दिल्ली की जनता, ये दिखाया जाए कैमरे। दिल्ली की जनता पर्दाफाश देखिए, सत्येंद्र जैन का कैसे कर रही है। संबित पात्रा का पर्दाफाश क्यों नहीं मिल रहा है इस पे बोलिए। संबित पात्रा के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश इस पे बोलिए। सत्येंद्र जैन को बेल क्यों नहीं मिल रहा है? सत्येंद्र जैन ने चोरी किया है या चोरी नहीं किया है ये बताइए। अब दूसरी कोर्ट ने 1.5 करोड़ शांत कराइए, गबन का विषय बताया है। इनको क्या हो गया, सुन नहीं रहे आज? मैं सवाल पूछ रहा हूं, इनको 1.5 करोड़ आपको बीजेपी वालों ने बोल से भेजा है और किसी को नहीं बोला। मैं भी तो ऐसे ही कर रहे थे, मेरे जवाब उन्हीं का इंजेक्शन उन्हीं को दे रहा हूं, मेरे समय में यही कर रहे थे। बोलिए। अच्छा जिस बेल पे, एक सेकंड, बेल पे देखिए, जिस विषय पर ये पिछले 10 मिनट से बेल पे नॉन स्टॉप चिल्लाए जा रहे हैं कि बेल नहीं मिली, हाई कोर्ट ने ये बोल दिया, हाई कोर्ट ने वो बोल दिया, हाई कोर्ट में ये हमने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, घोटाला हो गया। मैं अंजना जी, इनका पर्दाफाश करते हुए अधिकृत तौर पे आपको कहता हूं, सत्येंद्र जैन की बेल का मैटर अभी हाई कोर्ट में गया ही नहीं है, वो ट्रायल कोर्ट में। हाई कोर्ट ने ही कहा है ये शख्स की वास्तविकता है, बेल ये इन्होंने ये वास्तविक तो ट्रायल कोर्ट ने ही ये कहा है ना बेल के इशू पे। नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं उस पे भी बेल मांग रहे थे कि अब तो चार्जशीट फाइल हो गई है। जितना ये गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि हाई कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, सबसे बड़ी बात है सत्येंद्र जैन की बेल का मुद्दा हाई कोर्ट में ही नहीं गया है। इतना झूठ फरेब बीजेपी वाले फैलाते हैं। देखिए, झूठ फैलाने में बीजेपी की कोई भी आदमी उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकता, इनसे कोई मुकाबला नहीं है। भयंकर झूठ फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा की मशीन है। बेल का मैटर ट्रायल कोर्ट में, अभी तो हाई कोर्ट में दाखिल होनी है याचिका, नंबर एक। नंबर दो, इन लोगों ने सत्येंद्र जैन की बेल पर क्या किया? आपने बहस बुलाई है एमसीडी के मुद्दे पर। एमसीडी पे बात नहीं करेंगे, एमसीडी पे भागेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि जब ट्रायल कोर्ट की जज ने सीबीआई को कहा, ईडी को कहा कि मैं बेल देना चाहती हूं, आपके पास कोई सबूत है, तो इन्होंने कहा कि जज बदल दो, हमारे पास सबूत नहीं है। इन लोगों ने जज बदलवा दिया, जजमेंट आ गया है, अब कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है, जजमेंट पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, आप जजमेंट कह रहे थे, कौन से जज का नाम बताओ? 100 एंड जज का नाम बताओ, देखिए 100 जज का नाम बताओ, कौन से हाई कोर्ट का? अरे पहले पैराग्राफ, जज का नाम बताओ, जज का नाम बताओ, आप इसको देखिए पूरा शाहरुख खान की तस्वीर देखकर पढ़िए, पढ़ जा रहे हैं, मैं इसको पढ़ता हूँ, मैं कोर्ट के जजमेंट को, अमिताभ कोर्ट के जजमेंट को पढ़ूंगा और यही राघव भाई के बाबा जी का ठुल्लू निकालूंगा। अरे भैया, अपने बीजेपी के सेल के कुछ वकीलों से बात करोगे, वही बता देंगे कि मुकदमा हाई कोर्ट गया ही नहीं, ट्रायल कोर्ट में। देखिए अंजना जी, इनको कहिएगा, देखिए जनता कह रही है कि एमसीडी पे बात करो, ये एमसीडी पे बात नहीं करो। खैर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये पॉलिटिकल रैली नहीं है, आप लोग प्लीज बोलना बंद कीजिए, माइक नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप सिर्फ डिबेट को डिसरप्ट कर रहे हैं। अंजना जी को तो धमकाइए मत, कम से कम अंजना जी को तो मत धमकाइए, आराम से बात करिए। अंजना जी दो तीन चीजें। पहली चीज तो ये है कि आज बहस जैन जी वाला नगर निगम पर है, नगर निगम के मुद्दे पे सत्येंद्र जैन का जवाब आप एक काम करिएगा, इसके बाद ना अपने बीजेपी लीगल सेल के वकीलों से बात करिएगा, वही बता देंगे कि मुद्दा अभी हाईकोर्ट में है, ट्रायल कोर्ट में। खैर, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। अंजना जी, आपने आज बहस रखी थी नगर निगम पे,
ये 2017 में बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया था नगर निगम का, और इसमें बहुत सारे वादे किए थे दिल्ली की जनता से। उसमें जो मुख्य तौर पर वादे थे वो मैं बता देता हूं ताकि बहस सकारात्मक हो, जिसका ये जवाब दें ताकि लोगों को जवाब मिले, लोग अपना मन बनाए कौन सी पार्टी को वोट दें। पहला वादा इन्होंने किया कि दिल्ली को ढलाओ मुक्त करेंगे और कूड़ा करकट पूरी दिल्ली से गायब करेंगे। दिल्ली में एक भी ढलाव कम नहीं हुआ, 15,000 मेट्रिक टन का रोज कचरा इकट्ठा होता है, उसमें 10% भी येलो कलेक्ट नहीं करते। दूसरा वादा इन लोगों ने कहा कि कोई भी टैक्स ना हम नया लगाएंगे ना टैक्स बढ़ाएंगे। 37% प्रॉपर्टी टैक्स इन लोगों ने बढ़ा दिया, और ₹5 टॉयलेट शौचालय इस्तेमाल करने पर गरीब आदमी की ₹5 का इन लोगों ने नया टैक्स लगाया। तीसरा इन्होंने वादा किया और बड़ा शोर शराबे के साथ, दीन दयाल अंत्योदय रसोई लाएंगे, ₹10 की एक थाली हर व्यक्ति को पौष्टिक आहार एमसीडी देगी। पिछले 15 सालों से बीजेपी एमसीडी में एक रसोई भी अगर कहीं हो तो संबित जी इसके इस कार्यक्रम के बाद आपको और मेरे को सीधा उस रसोई में ले जाएं और थाली खाएंगे आप और हम बैठकर। एक भी रसोई इन लोगों ने नहीं बनाई। चौथी चीज कहते हैं, सुन लीजिए, चौथी चीज कहते हैं डिजिटल बाय डिफॉल्ट डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेंगे। 2012 के मैनिफेस्टो में था, 2017 के मैनिफेस्टो में था, आज 2022 के मैनिफेस्टो में भी डाला, कहीं एमसीडी ने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विस शुरू नहीं करी। पांचवा, नहीं सुन लीजिए, पांचवा वादा, रुक जाइए, खत्म कर रहे हैं, पांचवा वादा, ये एमसीडी पे बहस है और किसी चीज पे नहीं है। पांचवा वादा इन्होंने कहा, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट को ट्रीट करने के लिए नए प्लांट बनाए जाएंगे, दिल्ली को हम मलबा मुक्त करेंगे, जगह जगह मलबा पड़ा होता है। पिछले 15 सालों में एक नया कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट प्लांट नहीं बना। एक लौता बुरारी में 2009 में चल रहा था, वो भी इन लोगों के भ्रष्टाचार के चलते बंद हो गया, ये वास्तविकता है। दो और वादे इन्होंने कहा, सात वादे उन्होंने कहा, ऐसा छोटा छोटा संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। इसके बाद इन्होंने कहा सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे, उनको स्थायी करेंगे, सबकी रेगुलराइजेशन होगी। 50,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी है एमसीडी में, 15 सालों में किसी एक सफाई कर्मचारी को भी पक्का किया हो तो आज मुझे बता दे संबित जी। और आखिरी इन्होंने कहा सफाई कर्मचारियों के लिए रेस्ट रूम बनाया जाएगा, रेस्टिंग स्पेसेस बनाई जाएंगी। अरे सफाई कर्मचारियों की पगार तो तुमने दी नहीं, तुमसे दी नहीं जाती निकम्मे एमसीडी से, उसके लिए रेस्ट रूम बनाओगे। आज हो गया, ये आठ वादे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में करे थे, मैं लेकर आया हूँ। एक वादा अगर 15 सालों में बीजेपी ने पूरा किया, जो आठ वादे थे एमसीडी के जिस पे काम को लेकर उनके प्रश्न है उसका भी जवाब दीजिएगा। 15 साल से आप हैं एमसीडी में। मैं सत्येंद्र जैन से पहले पढ़ दूं 10 सेकंड में और उसके बाद में एमसीडी पे। आपने मुझे चैलेंज किया था कि मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप लोग ऐसे डिसरप्ट करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ये आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन आप मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, आप नहीं डिसाइड करेंगे। सत्येंद्र जैन पर बहस हो रही थी, उसी के आगे में वो इसके ऑर्डर पढ़ रहे हैं, पढ़ने दीजिए। कोई बात नहीं, चिल्लाने दीजिए, कोई बात नहीं, मेरी आवाज जा रही है। प्लीज देखिए अंजना जी, सत्येंद्र जैन एक महत्वपूर्ण विषय है। मुझे कहा गया कि आप जजमेंट का वो हिस्सा पढ़िए, 118 नंबर पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ। इन द लाइट ऑफ ए फोर्सेड डिस्कशन इट हैज प्राइमा फेसी कम ऑन रिकॉर्ड दैट एप्लीकेंट और एक्यूज्ड। देखिए अंजना जी, मैं बीच में नहीं बोला था, अंजना जी दिस इज नॉट फेयर। अंजना जी दिस इज नॉट फेयर। लेकिन ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस नहीं होगी। बिल्कुल क्यों, भ्रष्टाचार पर ही तो हो रहा है। अंजना जी, अंजना जी, नगर निगम में जो ये लैंडर पे पैसे लेते हैं उसपे बात करूंगा, ये अनफेयर है। मैं तो कह रहा हूँ, प्लीज सत्येंद्र कुमार जैन वॉज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन कंसीलिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बाय गिविंग ईच ऑफ द कलकत्ता बेस्ड एंट्री ऑपरेटर्स एंड देयर आफ्टर ब्रिंगिंग द कैश इनटू 3 कंपनीज। कंपनीज का नाम भी दिया है और आगे 4.61 करोड़ का मेंशन भी तो यहाँ पर कोर्ट ने बड़े अच्छे से किया। अंजना जी, मैं एमसीडी का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूँ। अंजना जी, यहाँ पर मसाज, एक रेपिस्ट के मसाज के बारे में बात नहीं होगी, यहाँ पर सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार पे बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी?
क्यों नहीं होगी? सत्येंद्र जैन को ये भारत रत्न देना चाहते थे। एक भ्रष्टाचारी, एक भोगी, एक विलासी और एक रेपिस्ट से मसाज करने वाले को भारत रत्न देने वाली पार्टी ये यहाँ पर चिल्लाते रहेंगे? मैं एमसीडी पर ही बताने वाला हूँ कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। बताएं, 5 साल में 13,000 से अधिक अस्थाई कर्मचारियों को हमने यहाँ पर स्थायी रूप से नौकरी दी। ये रावण की तरह हंसना बंद करें। देखिए, मैं एमसीडी पर ही बोल रहा हूँ। ये इस प्रकार से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को लाकर नहीं, अंजना जी, अंजना जी उनके व्यवहार को भी देखिए, ये उचित बात नहीं है। देखिए, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, चुनाव कौन जीतता है ये आप भी जानेंगे, हम भी जानेंगे नतीजे आने पर। यहाँ पर मेरा व्यवहार देखिए, मैंने इनके बीच में एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि और ये जनता जनार्दन भी देख रही है। और इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगा राघव भाई, सम्मान पूर्वक हम डिबेट, राघव भाई एक बात तो कान खोल के याद रखो, आप बताइए, तुम्हारा वो ताहिर हुसैन और तुम्हारा वो सत्येंद्र जैन दोनों ही चोर है, दोनों ने भ्रष्टाचारी है। ताहिर हुसैन चोर है कि नहीं? लैंडर पे कितना? ताहिर हुसैन भ्रष्टाचारी है कि नहीं? लैंडर पे कितना नहीं है? ताहिर हुसैन गुंडा नहीं है? ताहिर हुसैन दंगाई नहीं है बोल रहे? ताहिर हुसैन दंगाई नहीं है? ताहिर हुसैन दंगाई है या नहीं है? सब कह रहे हैं सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए। ताहिर हुसैन दंगाई नहीं है, सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए। जो यहाँ पर प्रायोजित लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन दंगाई नहीं है। सत्येंद्र जैन, मैं लोगों से जानना चाहूंगा, ताहिर हुसैन दंगाई है या नहीं? सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए नहीं है? ताहिर हुसैन दंगाई है या नहीं? सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए नहीं है ना? अच्छा संबित जी आ जाइए। नहीं अंजना जी, हाँ। ताहिर हुसैन दंगाई नहीं है अगर कहने की हिम्मत ये लोग रखते हैं। सोचिए, ये लोग देश को तोड़ने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? देश को तोड़ने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? ताहिर रत्न मिलना चाहिए, सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र जैन चाहिए नहीं मिलना चाहिए? सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जिस आदमी ने दिल्ली को, सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, वो मोहल्ला क्लिनिक का जनक है, वो मौसी को हार्ट अटैक से मर जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक बनाने वाले को वो सोले वाली मौसी हार्ट अटैक से मर जाएगी। अब बैठ जाइए, बैठिए। ना, सुनिए, नहीं अंजना जी, सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए ये लोग कह रहे हैं। हाँ, क्यों? भारत रत्न मिलना चाहिए, दिल्ली के लोगों के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए। सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए, अपनी बेटी के रेपिस्ट से मसाज कराना उचित है? उचित है? बेटी के रेपिस्ट से मसाज कराना उचित है? अंजना जी, मैं तो ये डिबेट कर नहीं सकता। बेटी के रेपिस्ट से मसाज कराना उचित है, ठीक है? अगर ये लोग कह सकते हैं, अब बहस को वापस एमसीडी पर लाते हैं। आप दोनों ने अपना अपना पिच कर लिया। बेटी के रेपिस्ट से मसाज कराना उचित है कि नहीं है, तो आप पॉइंट ही कहेंगे ना उसके आगे? अब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आपने पॉइंट कर दिया, जनता को तय करने दीजिए। एमसीडी पे आइए, एमसीडी पे आइए। ही नहीं है, अरे चलिए, पार्टी के कार्यकर्ता आपकी पार्टी के लिए सब तरह के लोग, जनता है ही नहीं, जो कह रहे हैं कि रेपिस्ट से मसाज कराना उचित है वो जनता कैसे हो सकता है? चलिए, अब एमसीडी के मुद्दे पे आते हैं। बिल्कुल, एमसीडी फिर कह रही हूं, रेपिस्ट को लाकर एमसीडी में बैठाना, ये देखिए। राघव जी बैठ जाइए। लोग कह रहे हैं एमसीडी पे बहस करो, ये हालात है इनके। क्यों सत्येंद्र जैन पे बहस क्यों नहीं करना चाहते हैं? डरते हैं क्या? इनके हालात, सत्येंद्र जैन पे बहस क्यों नहीं करना चाहते हैं? डरते हैं? बीजेपी के हालात, जनता कह रही है एमसीडी पे बहस करो, एमसीडी वाला पेपर उठा लीजिए, जनता कह रही है एमसीडी पे बात कोई नहीं देगा, ये भाग रहे हैं। मैं ये पेपर पढूंगा, वो पेपर पढूंगा, मैं यहां सत्येंद्र जैन से सवाल पूछूंगा। संदीप भारद्वाज नामक व्यक्ति की कल हत्या कर दी इन लोगों ने, हत्या कर दी, 15 साल भ्रष्टाचार किया, पूछूं 2 लाख करोड़ रुपए क्यों हत्या हुई? सत्येंद्र आप बताइए, संदीप भारद्वाज की हत्या हुई, संदीप भारद्वाज के हत्यारे के विषय में मैं सवाल पूछूंगा ना पूछूंगा? चुनाव पर वापस आते हैं, चुनाव पर आइए ना। आपने पूछे सवाल, अंजना जी आपने पूछे, आपने एक्सपोज भी किया, अब कर लिया ना सर, अब क्या चाहते हैं इसके आगे? वापस आते हैं, 10 सेकंड इशू पे वापस आते हैं ना, चुनाव पर। अंजना जी, मैं अंजना जी आपके साथ डिबेट करते हुए वर्षों बीत गए। देखिए, यहाँ पर कार्यकर्ता और विधायकों को बुलाया गया, विधायक जो लड़ चुके हैं उनको बुलाया गया है। यहाँ चिल्लाया जा रहा है, ताहिर हुसैन के समर्थन में नारे लग रहे हैं, रेपिस्ट के समर्थन में नारे लग रहे हैं, फिर भी मैं शांति से डिबेट कर रहा हूँ ना, मैं कभी आपा खो रहा हूँ? नहीं, अंजना जी एक बार बताऊँ, क्या सत्येंद्र जैन एमसीडी के चुनाव में एक विषय नहीं है? क्या रेपिस्ट से मसाज लेना एक विषय नहीं है? क्यों नहीं है?
अगर बीजेपी के किसी नेता का रेपिस्ट से मसाज लेता हुआ वीडियो आता तो आप लोग हमको छोड़ते? ठीक है, आप लोग 100 सवाल पूछते। राघव चड्ढा जी, बार बार सत्येन जैन पर बहस ना हो इस तरह का शोर मचाया जा रहा है, लेकिन मैं इससे असहमत हूँ। डरते क्यों हैं आप? क्योंकि पॉक्सो एक्ट, ठीक है, रेप का आरोप है उस व्यक्ति पर जो उनके पैर का मसाज कर रहा है। जवाब दे रहा हूँ। क्यों नहीं हिलते लोग? क्यों नहीं ये सोचते कि वो किसी देश की बेटी थी जिसके देश की अपनी बेटी, वो अपनी बेटी के अपनी साथ बेटी और उसको जेल में बहन है, चाहे किसी पार्टी की हो, जवाब दे दो, किसी भी पार्टी की हो, आप मेरी बहन है, अपनी बेटी का रेप करने वाला व्यक्ति उसके साथ जवाब कैसे जवाब दे लीजिए जवाब कैसे खड़ा हो सकते? सेंसिटिव इशू है, इसको आप हंस के नहीं उड़ा सकते। हमारी बेटी का जवाब दे दीजिए, जवाब ले लीजिए उसके आज इलेक्शन के बाद तो दीजिए, बेटी के रेपिस्ट का हिसाब किताब इलेक्शन के बाद होगा। ये क्यों होगा? संबित जी, संबित जी, प्लीज करा दीजिए। नहीं, यहाँ पर बहने बैठी हुई, आप बताइए जी, देखिए आप बताइए, ये अपना आपा क्यों खो रहे हैं? ये क्यों आगे भाग रहे हैं थोड़ी देर में? आप सुन, बिल्कुल ठीक। अब मेरी बात देखिए, देखिए ऐसा है आक्रोश जी, मैं काम के रेपिस्ट से मसाज ले और हम इस विषय पे बात करना, हम पे अंकुश है कि हम बात भी ना करें? क्यों आपा खो बैठे हैं संबित जी? अपना आपा खो बैठे हैं। और अगर सर एमसीडी के चुनाव हो, गुजरात के चुनाव हो, अगर काम पर ही इतना आपको भरोसा है तो फिर ये हर बार क्यों बोलना पड़ता है कि केजरीवाल जी को मारने की साजिश हो रही है? पंजाब के चुनाव के पहले भी अगर आप दिखाएं तो मैं सब ट्वीट निकाल दूंगा। मनीष सिसोदिया ही मारने वाला है केजरीवाल को, और कोई नहीं। दोनों बता, मैं बड़ा न्यूज दे रहा हूँ, सुन लीजिए। अरे देखिए, हर दिन केजरीवाल बोलते हैं मनीष, अब मेरे तो बारे में ये कौन किसको मारने वाला है, मैं बता देता हूँ कौन किसको मारने वाला है। राघव जी, एक सोलो डिबेट करिए, जैसे चुनाव शुरू होता है वो मनीष सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया के सारे कागज केजरीवाल जी के पास है। आप बोलिए राघव जी, निपटा दे केजरीवाल को। ये राघव जी बोलिए, राघव जी बोलिए, पहले इनका संतुलन ठीक करें, एक्साइज पॉलिसी। क्या ये इमोशनल दाव नहीं होता है? क्या ये इमोशनल पिच नहीं है? मैं आ रहा हूं। देखिए अंजना जी, आज अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, नहीं मैं तो रेपिस्ट सारे लोग चिल्लाएंगे, कितना भागोगे? मैं संदीप भारद्वाज, जिससे मत करो, जनता के जवाब दे रहे हैं। संदीप भारद्वाज से 80 लाख रुपए लेके उसको पंखे से टांग दिया गया, इस पे जवाब कौन देगा? अंजना जी, अब मैं अब शांत करा दूं, आपके नॉनस्टॉप बोल रहे हैं, एक एक करोड़ रुपए लेके टिकट बेचने का काम चिल्ला सकता हूं, मैं भी चिल्ला सकता हूं, चिल्ला ऐसे अभी तक अपने लोगों के साथ चिल्ला चोटी तो कर रहे हो? दिल्ली की जनता है, मेरे लोग नहीं है, ये सारा मेरा परिवार है, ये सारा मेरा परिवार है, दिल्ली की जनता है, ये दिल्ली की जनता है जिसका मैं सलाम करता हूं। राघव जी, देखिए पहली चीज तो ये है, खड़े लोग कभी लगातार लगातार दिल्ली की जनता भी खड़े हैं, वो दिल्ली की जनता नहीं हो सकती। अंजना जी जो कह रहे हैं बेटी के साथ रेप, अरे लोग कह रहे हैं एमसीडी पे बहस करो, वो दिल्ली, लोग कह रहे हैं एमसीडी पे बहस करो, लोग इसलिए शोर मचा रहे हैं, वो आज अपने घरों से इतनी दूर एमसीडी की बहस सुनने आए हैं, आप जी भाग जा रहे हो, सेंटर पे कितने पैसे खाते हो नहीं बता रहे हो? सब जी प्लीज, मैंने आपको बताया सेंटर पे 10 लाख खाते हो, 20 लाख खाते हो, सब जी से कितने पैसे लिए सेंटर पे? 10 लाख खाते हो सब जी? अब सुनना भी तो पड़ेगा ना, प्रश्न कीजिएगा तो सब जी, प्रश्न कीजिएगा तो जवाब भी सुनिएगा ना, ऐसा थोड़ी होगा कि सवाल भी आप जवाब भी आप। पूछते समय मुझे समय नहीं दिया जाता है, सब लोग चिल्लाते हैं, इसलिए मुझे 10 सेकंड दिया। आप ही का ऑडियो जा रहा है, चिल्लाने वालों का ऑडियो नहीं जा रहा। देखिए उस समय मैं बोल रहा था, जब ये बोला शुरू किया एमसीडी का, मुझे बोलने दिया, कोई भी बोले कैसे बोल, कहां दो लाइन नहीं बोला, मैंने इनका पूरा आठों वादा सुना, दो लाइन बोलने पे ये चिल्लाना शुरू कर दिए। मैं कुछ बैठू ना, ना ऐसा नहीं, प्लीज मैं बिल्कुल लगातार बोल रहे हैं, एमसीडी पे बोलना है मुझे, आप लगातार बोल रहे हैं, एमसीडी पे बोलना है, लगातार एमसीडी पे बोलना है, मुझे रिपोर्ट कार्ड देना है एमसीडी। अच्छा, इसके बाद दीजिए मुझे ना, देखिए 5 साल में 13,000 से अधिक अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किया, 17 मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया, और 9 मल्टी लेवल पार्किंग जल्दी समाप्त होने वाला है, 8 लाख स्ट्रीट लाइट में परिवर्तित किया है, 340 टिप्पर जो मशीन होती है उसको लगाकर 80% से अधिक घरों में कूड़ा उठाया जा रहा है, 220 कॉम्पैक्टर जो होता है उसको लगा करके कूड़ा किस प्रकार से उसका निस्तारण किया जाए। देखिए बीच में कौन चिल्ला रहा है, एमसीडी पे 220 कॉम्पैक्टर में, एमसीडी पे बात कर रहा हूं, बीच में कौन चिल्ला रहा है, एक जगह भी कॉम्पैक्टर लगाया तो ले चलो, बोल रहा था
किसने बीच में बोला बताइए। मैं तो बोल रहा था, मैं तो यहाँ रिपोर्ट कार्ड रख रहा हूँ, क्यों चिल्ला रहे हैं? 15 साल में चिल्ला रहे हैं। मैं तो रिपोर्ट कार्ड रख रहा था, क्यों चिल्ला रहे हैं? कूड़े के पहाड़, एमसीडी का रिपोर्ट कार्ड रख रहा हूँ, कूड़े के विषय में बात कर रहा हूँ। हर जगह दिल्ली में कूड़े के पहाड़ बना दिए लोगों ने। मैं तो 15 साल में बार पे भी बताऊंगा ना, मुझे मौका तो दीजिए, कूड़े पर एक जवाब दे दीजिए, सब पे दूंगा। और अंजना जी ये डिक्टेट नहीं करेंगे। मैं अपने तरीके से, मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा अंजना जी, मैं बोलने जा रहा हूँ। 482 कूड़ा घर बंद किया गया और उसके स्थान पर किस प्रकार से कॉम्पैक्टर आया है ये आपने भी देखा है। आपके घर पे टिप्पर आता होगा कूड़ा उठाने के लिए, ये भी आपने नहीं देखा ना? फिर बीच में देखा ना, मैं बोलूंगा ना, जनता जी ने देखा, फिर बदला लिया जाएगा। ना ना ना, अब रुक जाइए, अब जवाब पर हुआ। आप लगातार बोल रहे हैं, सब बीच में स्मार्ट क्लासरूम खोले गए, 52 स्कूल्स का निर्माण किया गया। प्राइमरी स्कूल्स में लाजपत नगर का सबसे बड़ा स्कूल बनाया गया। 219 पार्क्स में ओपन जिम खोले गए। 3725 पार्क्स में झूले लगाए गए। एनसीडी में ना ठीक नहीं और भी है, एनसीडी में 9 अस्पताल चलाया गया है। 3200 बेड्स हैं इन अस्पताल में। 15 मैटरनिटी सेंटर है। 130 महिला स्वास्थ्य केंद्र खोला एनसीडी ने। 123 जनरल डिस्पेंसरी है। क्या हो गया? अबो के सेंटर है एनसीडी में। 150 स्प्रिंकलर लगाया। 50 मैकेनिकल रोड सिस्टम स्वीपिंग के लिए लगाया। पीएम उदय योजना के माध्यम से 16,000 आवास दिया है। और पीएम इन सीटू स्लम पुनर्निवास योजना के माध्यम से कालका जी ने 3024 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बनाए। और इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से नहीं खत्म नहीं हुआ है, रिपोर्ट कार्ड खत्म नहीं हुआ है, जिस प्रकार से दिल्ली वासियों को अब 15 मीटर की जगह पर 17.5 मीटर का निर्माण करने की अनुमति दी गई है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ट्रेड लाइसेंस और प्रॉपर्टी टैक्स ये ऑनलाइन होगा। नहीं खत्म ही नहीं हो रहा रिपोर्ट कार्ड, मैं क्या करूं? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट दिल्ली में तीनों लैंडफिल के हाइट, लैंडफिल कचरा, तीनों लैंडफिल की हाइट 20 मीटर से कम कर दिया गया है। अब वो 20 मीटर की कमी आई है। गरीब बच्चों को शिक्षा दी गई है। 1616 विद्यालय बनाए गए हैं। 907 स्मार्ट क्लासेस हैं। 95 न्यू स्कूल्स खोले गए हैं। मिड डे मील चलता है। 15,070 पार्क्स का पूरे दिल्ली में रख रखाव हो रहा है। चांदनी चौक में रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड कहाँ ले जा रही है आप हमारा? राघव जी प्लीज सर, ले लो, ले लो। और भी है, और ये भी पढ़ो, ये मैनिफेस्टो, ये भी पढ़ो राघव जी, ये आम आदमी पार्टी का, इसको रखिए वहाँ पर। हमारे पास तस्वीर थी। भ्रष्टाचार को फेंक दिया गया है, भ्रष्टाचार को फेंक दिया गया है, भ्रष्टाचार को। जाइए जाइए, आपने अभी रेपिस्ट का सम्मान किया था, आपने अभी ताहिर हुसैन के पक्ष में कहा था मैडम, बहन मेरी आप बैठिए यहाँ पर वायलेंस के लिए कोई स्थान नहीं है। बहन मेरी वायलेंस के लिए मैं अपील करना चाहता हूँ, यहाँ पर वायलेंस के लिए कोई स्थान नहीं है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन है, हाथापाई ना करे, कोई हाथापाई ना करे, शांति बनाए रखे, शांति बनाए रखे, कोई हाथापाई ना करे। राघव जी आप भी अपील करिए, कोई हाथापाई ना। राघव जी, अरे ताहिर हुसैन का समर्थन मत कीजिए बहन, ताहिर हुसैन दंगाई है। मैं बोल लूं बहन, ताहिर हुसैन मुझे भी बुलाया है, उसका समर्थन मत करिए। आप किसी भी पार्टी की हो सकती है, मेरी बहन है। ताहिर हुसैन का समर्थन मत करिए राघव जी, ताहिर हुसैन का समर्थन मत करिए राघव जी, बोलिए आपकी आवाज आ रही है, ताहिर हुसैन का समर्थन मत करिए। दिल्ली वालों, संबित पात्रा का इलाज कराओ, राघव जी बोलिए आप, संबित पात्रा का इलाज कराओ राघव जी, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, सुनने की शक्ति चली गई है, आंखों की रोशनी जा रही है, फंस गए हैं, ये बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अब बाबा जी का ठुल्लू इन्हीं के सर पे। अच्छा, इमोशनल पिच क्यों? कि केजरीवाल जी की हत्या की साजिश हो रही है। देखिए पहली चीज, पहली चीज, केजरीवाल जी की हत्या की साजिश, देखिए ट्वीट किया है ये मनीष जी ने, कहा है बार बार कर रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब संजय जी भी कह रहे हैं, मनोज तिवारी ने कहा है। देखिए प्लीज संबित जी, इनको शांत करा दीजिए। इसमें तो मतलब एकता, दिल्ली वालों संबित पात्रा का इलाज कराओ, सास बहू और साजिश इलाज करवाओ, सास बहू और साजिश, अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, सुनने की शक्ति चली गई है, आंखों की रोशनी जा रही है,
इनका इलाज कराओ आपको मैं दिल्ली सरकार के आलीशान अस्पताल में आपका इलाज कराओ, दिल्ली सरकार के आलीशान बढ़िया अस्पताल में इलाज करवाऊंगा। अभी सीधा आप मेरे साथ चलना है, रेपिस्ट से मसाज नहीं दिलाऊंगा। अब मेरी बात सुनो, आप तो रेपिस्ट से मसाज ले रहे होंगे। पहली चीज हमारा तो क्या है, गरीब लोग हैं भैया, पहली चीज रेपिस्ट से मसाज लेकर आते हैं। और यहां पे जी आपने बोल दिया, सुन लीजिए इनका इलाज, मैंने वादा भी कर दिया मैं इनका इलाज कराऊंगा। मेरी बात सुनो, के लोग पहुंचे वो अपना सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा सपोर्ट नहीं होता। अब मेरी 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 बात सुन लीजिए अंजना जी, मैं अक्सर इस चिल्लम चिल्ली की बहस में नहीं आता हूं क्योंकि ये बोलने नहीं देते। मैं एक पहली चीज, इतने लोग लेके आए, पहले नहीं बोल पा रहे हैं, पहले तो सोचियो कहां खड़े हैं। पहले का पत्ती खत्म हो रहा है, प्लीज शांत हो जाइए। लोग लेके आए राजा जी, पहले मैं राजा जी बोलिए, पहले मैं अपनी एक आपत्ति दर्ज कराना चाहना। अभी इलाज इलाज कराऊंगा आपका, इलाज कराऊंगा, इलाज कराऊंगा आपका, चिंता ना करिए। ले जाऊंगा अस्पताल, इसके बाद ले जाऊंगा अस्पताल, लेकर जाऊंगा अस्पताल, कोई बात नहीं, लेके जाऊंगा अस्पताल, इलाज करवाऊंगा, अच्छा इलाज कराऊंगा, दिमाग का, कान का, आंखों का, जबान का, सारा इलाज कराऊंगा। अच्छा आप मेरी बात सुनिए अंजना जी, पहली मैं एक आपत्ति, खत्म हो चुका है, आप जवाब दें, आपका ऑडियो जा रहा है, पूरी करें, फिर शिकायत मत कीजिएगा, टाइम नहीं दिया, 10 सेकंड भी नहीं दिया। राघव जी बोलिए जल्दी से, 10 सेकंड। देखिए पहली चीज मैं एक अभी मैं एक आपत्ति ये दर्ज कराना चाहता हूं कि जो कागज उठाकर संबित जी ने फेंका उस पर भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर थी, वो 2017 का बीजेपी का मैनिफेस्टो था। मैं आपत्ति दर्ज कराता हूँ, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की तस्वीर को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए था। संदीप जी आपने गलत किया, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारी विचारधारा उनसे ना मिले, हम उनकी पार्टी में ना हो, हम उनको वोट ना दें, लेकिन वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। ऐसे मोदी जी की तस्वीर को उठाकर आपने जो फेंका, ये आपने अच्छा नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे दुख हुआ, मुझे दुख हुआ संबित जी इस बात का, मुझे बहुत दुख हुआ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, दूसरी तालियों के साथ दोनों का बहुत धन्यवाद। आप दोनों ही दिल्ली के दिल में क्या है कि मंच पर आए, आपने अपनी अपनी बात कही, पुरजोर तरीके से कही, लेकिन बिना लड़ाई